500 करोड़ की लागत से बनेगी चंदौली से सैदपुर तक फोर लेन सड़क। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी हरी झंडी। पूर्वांचल के दो जनपदों को जोड़ने और कई ज़िलों के सुगम यातायात व्यवस्था के लिए चंदौली से सकलडीहा होते हुए गाजीपुर के सैदपुर तक फोर लेन सड़क बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे करने के साथ ही एस्टीमेट तैयार कर लिया है। 30.8 किलोमीटर सड़क बनाने में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पीडब्ल्यूडी ने जिला प्रशासन के जरिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बनारस दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज से बिहार को जाने वाली सड़क पर 24 घंटे वाहनों का दबाव होता है। चंदौली से चहनिया होते हुए सैदपुर तक जाने वाली सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2016 में सैदपुर गंगा पर पुल बनने के साथ गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया के लिए बाईपास के रूप में सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी मार्ग से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से निर्माण सामग्री विभिन्न जनपदों को जाती है। इतना ही नहीं, बिहार से भी वाहनों का दबाव इस पर अधिक है। सड़क खराब होने से राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन इस मार्ग पर वाहन खराब होते रहते हैं। चंदौली से सकलडीहा होते हुए सैदपुर तक सड़क बनी है, लेकिन हाईवे से कनेक्ट होने के साथ सड़क पर बड़े वाहनों का दबाव बढ़ गया है। उस हिसाब से सड़क ठीक नहीं बनी है। यह सड़क अब नए सिरे से बनाई जाएगी। फोर लेन सड़क बनने के साथ हाईवे से कनेक्ट हो जाएगी। बाईपास के रूप में यह आम जन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। सड़क की लंबाई 30.8 किलोमीटर होगी व लागत 39,893 लाख होगी। चंदौली से सकलडीहा होते हुए सैदपुर सड़क फोर लेन प्रस्तावित है। मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी संजय तिवारी ने बताया कि चंदौली से सकलडीहा होते हुए सैदपुर सड़क फोर लेन प्रस्तावित है। सर्वे करने के साथ ही एस्टीमेट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होने के साथ काम शुरू हो जाएगा। यह सड़क कई ज़िलों को जोड़ेगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।